नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चुनावी दंगल 2022 और वक्त हमारी मौजूदगी बुंदेलखंड की धरा में है। हमारी मौजूदगी इस वक्त कालपी विधानसभा में है और ये कालपी विधानसभा का जब जब जिक्र होता है तब तब बुंदेलखंड का नाम और आगे जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कालपी विधानसभा का इसलिए भी जिक्र होता है क्योंकि यहाँ सबसे चर्चित फूलन देवी का नाम सामने आता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, महर्षि वेदव्यास की ये जन्मस्थली है, फूलन देवी की ये जन्मस्थली है। और तीसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि कृष्ण के पौत्र सांब ने यहां से ही आराधना की थी। लेकिन इतिहास के पन्नों को टटोलने के बजाय इस वक्त हम चुनावी दंगल 2022 की टीम के साथ इसलिए यहां पर पहुंचे हैं कि आखिरकार चुनाव क्या कहता है, 2022 का चुनाव क्या कहता है, चुनावी मिजाज लोगों के जहन में क्या है, क्या सोचकर लोग इस बार वोट करने जा रहे हैं। तीसरे चरण में यहां पर मतदान होना है, चुनाव तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है और 20 फरवरी को जालौन जिले की कालपी विधानसभा में जहां पर हमारी मौजूदगी है वहां पर चुनाव होगा। लेकिन चुनाव किन मुद्दों के आधार पर होगा, क्या सिर्फ और सिर्फ चेहरे देखकर वोट लोग कर देंगे या सिर्फ और सिर्फ बुंदेलखंड के मुद्दों के आधार पर यहाँ के लोग वोट करेंगे, तमाम लोग हैं उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं कालपी विधानसभा का सियासी मिजाज को जानने। तमाम लोगों की मौजूदगी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, दादा है हमारे साथ। दादा भैया एक मिनट, एक एक करके बात। तो कालपी विधानसभा इस वक्त हमारी मौजूदगी है। दादा पहले तो बहुत बहुत स्वागत सहारा समय पर आपका, धन्यवाद। ओमिक्रॉन के बीच चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आपके यहाँ 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। जिले की बहुत महत्वपूर्ण सीट है कालपी, और कालपी अपने आप में इतिहास के पन्नों को जब टटोला जाता है तो महर्षि वेदव्यास की जन्मस्थली में है और तमाम ऐसी घटनाएं हैं। लेकिन इस वक्त जो माहौल है वो इतिहास से इस वक्त सिर्फ और सिर्फ चुनाव देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आता है, अखिलेश का नाम सामने आता है, प्रियंका गांधी एक नारा देकर सामने आई है। क्या लग रहा है कि बुंदेलखंड के मुद्दों के आधार पर यहाँ के लोग वोट करेंगे, चेहरे के आधार पर? पहले तो आपका धन्यवाद, कम से कम आप हमारी छोटी सी विधानसभा में आए। वैसे अगर कालपी का इतिहास लगभग आपने बता ही दिया है, एक पर्यटन स्थल की सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है ये नगर। इस नगर में महर्षि वेदव्यास ने जन्म लिया है, यहाँ सूर्य मंदिर है जो कि हिंदुस्तान में मात्र दो हैं, उनमें से एक कालपी में है, और कालपी में लंका मीनार, 84 गुम्बद, ऐसे कई दार्शनिक स्थल हैं जिनको कि अगर सरकार संज्ञान में लेती तो कालपी एक पर्यटन स्थल घोषित हो सकता था। मगर क्या कारण रहे, योगी जी की क्यों निगाह नहीं पड़ी इस शहर में, ये तो या तो शहर का दुर्भाग्य है या शहरवासियों का दुर्भाग्य है। ठीक है। लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं, तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। बहुत जल्दी एक एक करके प्लीज अपनी बात करिएगा। बुंदेलखंड के लोगों की परेशानी यही है कि लोग कैमरे को देखकर भागने लगते हैं, एक एक करके आप लोग युवा हैं, अगर बुंदेलखंड की मांग अगर नहीं उठा पाते हैं तो फिर मेरा आना यहाँ पर बेकार है। बहुत लोग हैं तमाम। क्या नाम भैया आपका? कन्हैया मिश्रा। कन्हैया, आपको क्या लगता है जो इस बार का चुनाव हो रहा है, ओमिक्रॉन के बीच चुनाव हो रहा है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, रैलियां नहीं हो रही है, बुंदेलखंड में जिस जगह हम मौजूद है वो अपने आप में इतिहास के पन्नों में एक अलग नाम से दर्ज है, क्या इस बार लोग आधार बनाकर यहाँ के विकास को आधार बनाकर वोट करेंगे या सिर्फ और सिर्फ चेहरे को देखकर? यहाँ पर जितना भी विकास हुआ है आज तक उतना विकास कभी नहीं हुआ। सपा की सरकार बराबर रही, ना बराबर लाइट मिली किसी को, ना किसी गरीब को कॉलोनियां मिली, ना किसी को कोई सामग्री प्राप्त हुई, और इससे पहले भी पूर्व में तमाम सरकारें रही। भाजपा में गरीबों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है और आने वाले समय में योगी जी पुनः आएंगे, दूसरा कोई उनकी लड़ाई में है ही नहीं। क्या है योगी को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं, यहाँ के विधायक ने काम किया है, आप क्या नहीं किया है? विधायक जी ने पूरा काम किया है। आप बीजेपी सपोर्टर हैं? नहीं, हम तो वैसे कार्यकर्ता मान लीजिए, कार्यकर्ता है तो बीजेपी के सपोर्टर हैं जी। क्या नाम भैया आपका? संदीप। संदीप, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या मुद्दों के आधार पर चुनाव है और एक बार 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 जिक्र चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है कि रैलियां नहीं होंगी, 15 जनवरी तक रैली नहीं होगी और उसके बाद ही चुनाव है, क्या इफेक्ट रैलियों का दिखेगा यहाँ पर? अब सोशल मीडिया का माध्यम है, पड़ेगा सोशल मीडिया के माध्यम से
काफी लोग जागृत भी हो रहे हैं और जान भी रहे हैं। रही विकास की बात, विकास पूर्व की जो सरकारें रही हैं जितना विकास वो नहीं कर पाई हैं, भाजपा ने उतना एक छोटे से कार्यकाल में 5 साल का कार्यकाल मिला अभी, और कईयों को तो 15-15 साल का कार्यकाल मिला है। 5 साल कार्यकाल में पर्याप्त तो उन्होंने अपने हिसाब से कोशिश किया है उन्होंने विकास करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू जागरण मंच हिंदू को लेके चलती है और हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव भी नहीं किया उन्होंने, जो सर दिखाते हैं लोग, लेकिन उन्होंने अपनी एक जाति को दिखाया है कि हाँ इन सब चीज आस्था की भी जरूरत है। और पार्टियों ने अपने आस्था को, बीजेपी सपोर्टर है नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम सपा समाजवादी पार्टी के सपोर्टर भी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई उचित कैंडिडेट अभी मौके पर नहीं है, क्लियर नहीं किया गया है। अगर समाजवादी पार्टी से माननीय नन्नू राजा जी को यहाँ फिर आगे टिकट दिया जाता है तो हम उनके पूर्ण समर्थक हैं सपा से, और हाँ सपा से है। समाजवादी पार्टी की हमेशा गतिविधि गुंडईपन की रही है। क्या आपने बात कर ली दादा, क्या नाम आपका? हमारा नाम राजकिशोर मिश्रा। इस बार मुद्दों के आधार पर होने वाला है, क्या लग रहा है इस बार कि हाँ योगी जी आ रहे, अखिलेश प्रियंका लड़ रही हैं इस बार? योगी जी ने गड्ढे आपकी सड़कों में हम देख पा रहे हैं, विधायक राय कहाँ पर आते हैं? बरसात की वजह से हो गया थोड़ा बहुत, गड्ढे बहुत दिख रहे हैं यहाँ पर लंबी समय से, यही थोड़ा है आधा किलोमीटर, बाकी तो सब सबका ही मतलब गड्ढे भी अच्छे लगे। योगी को आइए, योगी जी आइए, योगी फिर आएंगे दोबारा। अंकल जी हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है चाचा? मनोज परवार। मनोज जी आपको क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव बुंदेलखंड में देख रहे हैं, 20 फरवरी को यहाँ पर मतदान हो रहा है, तीसरे चरण में चुनाव है, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे यहाँ पर रहने वाले हैं? बुंदेलखंड के अलग राज्य की मांग लोग करते हैं कि यहाँ पर अलग राज्य बनना चाहिए, नहीं ऐसा, बीजेपी की 3 सीटें नहीं पूरे जिले में काबिज है। बुंदेलखंड राज की बात तो खैर कुछ नहीं है, यहाँ हम लोग कोई भी नहीं चाहते, इसमें पैसा कुछ नहीं है। हाँ योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, इतना काम कभी नहीं हुआ, पुनः योगी जी। यहाँ के विधायकों के चेहरे के आधार पर आप लोग वोट करेंगे क्या कि हमने समाजवादी पार्टी के इस कैंडिडेट को देखा, नहीं, विधायक को देखा और प्रियंका गांधी को देखा, उन्होंने जो कैंडिडेट यहाँ पर उतारा उनको आज नहीं देखना है, नहीं सिर्फ चेहरे पर भी होगा, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं, लोगों का ये मानना होता है कि 2017 का जब चुनाव हुआ तब सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा देखा और उसके बाद इसलिए सरकार बन गई। अब ऐसी स्थिति नहीं है, नहीं, आप चेहरे पर वोट होगा कि यहाँ के स्थानीय लोगों के आधार पर वोट होगा? नहीं, चेहरे के आधार पर होगा, चेहरे के आधार पर वोट नहीं। विकास तो हुआ ही है, विकास तो हुआ काफी, बुंदेलखंड में रोजगार, बेरोजगारी, पलायन, तमाम बहुत मुद्दे हैं जिनका हर चुनाव में उठना अपने आप में एक लाइन बन गई है। नहीं तो बुंदेलखंड के लिए योगी जी ने बहुत कुछ किया, क्या किया बताइए, दो योजना नहीं, 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 नहीं बताइए आप क्या नहीं किया, क्या योजना, दो अच्छी योजना यहाँ पे का, वो एक्सप्रेस वे बन रहा है अभी तो उसका शिलान्यास हुआ है, हाँ वो बन रहा है, दूसरा विद्यालय बन के तैयार हो गया, विद्यालय तो खुल ही रहे हैं और भी बहुत। चलो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर सपोर्टर नजर आ रहे हैं, और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, एक एक करके आ जाइए। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार मिश्रा। सपा के हो क्या? क्या नाम आपका? आशीष कुमार मिश्रा। आशीष कुमार मिश्रा, आशीष क्या लग रहा है आपको, क्या बेहतर है यहाँ पर जो चुनाव है, किन मुद्दों के आधार पर चुनाव हो रहा है, तीसरे चरण में चुनाव है, क्या है माहौल, क्या है? देखो माहौल तो इस वक्त अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन अगर देखा जाए, अगर जो विधायक इस वक्त मौजूद में है इस वक्त नरेंद्र जी, अगर विधायक जी के हिसाब से देखा जाए तो विधायक जी ने कोई काम नहीं कराया है, काल पी काम नहीं करवाया, काम नहीं करवाया यहाँ पर, अब इसी बात का जिक्र हो रहा है, हाँ कोई काम नहीं करवाया। अगर विधायक एक मिनट एक एक करके, एक एक काम नहीं करा विधायक जी ने, एक एक करके, एक एक करके भैया आप कॉलेज बनवाया, एक एक करके अंदर का पुल निर्माण बोलो, दादा ये डिबेट यहाँ चल रहे हो, डिबेट नहीं हो रही दादा, कुछ नहीं करवाया, कर लेंगे जितना पैसा आया, जितना पैसा आया अपना खा गए, कुछ नहीं खा रहा दादा, एक मोहरम की खनन का कह रहे हैं, यहाँ मेरा खनन बंद हो गया, वही लोग करते थे, मेरा प्रश्न क्या लगाया उन्होंने, उन्होंने क्या लगाया अगर गुंडे खत्म भाई, गुंडे के अलावा और मेरा प्रश्न सुन दादा, आप थोड़ा बहुत सीनियर है दादा, आपको सीनियर, मेरा प्रश्न ये है कि सीएम योगी के लोग चेहरा देख रहे हैं, काम नहीं किया विधायक ने, काम नहीं किया, सीएम योगी आदित्यनाथ को देखा और वोट दे दिया, उन्हें वोट दिया, ठीक है ऐसा, ठीक है इस बार ऐसा होने वाला है क्या? इस बार ऐसा
अगर मतलब कोई अगर कोई अच्छा कैंडिडेट आया कि विकास जो किया है उसके आधार पर वोट करेगी, दूसरे प्रत्याशियों को देखेगी, या सिर्फ और सिर्फ बड़े चेहरों को देखकर सिर्फ और सिर्फ वोट कर दिया जाएगा 20 फरवरी? अगर जैसे भी भैया ने कहा कि सपा से अगर नन्नू सिंह आते हैं तो उनको आते हैं, या मतलब और कोई आता है विधायक हाँ सरकार, तो मतलब उनको वोट दिया जाएगा, इनको नहीं दिया जाएगा। पिछले बार समाजवादी पार्टी को नहीं चुना आपने, यहाँ से तीनों सीटों बीजेपी को दी थी, आप ही लोगों ने ऐसा नहीं हाँ। उसमें योगी जी का चेहरा देख रहा जा रहा है, योगी जी और मोदी जी हाँ। विधायक ने काम नहीं किया है, योगी जी अच्छे लग रहे हैं इसलिए वोट कर दो। भाई साहब क्या नाम आपका? पुनीत कुमार पाल। पुनीत आप ये बताएं कि लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा विकास की बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने विकास किया, जब विधायक विकास नहीं करेंगे योगी जी कहां से कर देंगे, जब विधायक प्रस्ताव नहीं भेज पाएंगे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। नहीं, क्योंकि हम यहां से हैं नहीं, हम जिला हरदोई से हैं, हम तो यहां भी सर्विस करते हैं बैंक में हाँ। तो हम स्थानीय जो है, जो भी आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, लेकिन हम आपसे सरकारी कर्मचारी के तौर पर राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर सवाल नहीं करेंगे। हम आपको ये करेंगे, कालपी में एक बैंक में आप किस पोस्ट पर हैं? जी मैं ब्रांच मैनेजर हूँ। ब्रांच मैनेजर हैं आप, लोगों से आपकी जब बातचीत होती होगी, क्या लोग बेहतर और यहाँ पर विकास को लेकर जब तमाम वादे होते हैं तो क्या खुश नजर आते हैं? नहीं नहीं, वो एक्चुअल में हम लोग तो गांव में किसानों से सबसे जनता से जुड़े रहते हैं, तो जो इस सरकार में मॉनिटरिंग होती है ऊपर से वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बेहतर है। सरकारी कर्मचारी है, ज्यादा सवाल नहीं कर सकते ना ज्यादा ये बता सकते। दादा क्या नाम आपका? राजन कुमार। कालपी क्या चाह रही है, विकास चाह रही है, विकास हुआ है या इस बार जो वोट गिरेगा 20 फरवरी को किस आधार पर होगा, चेहरे के आधार पर करेंगे या विकास के आधार पर? विकास के आधार पर होना चाहिए, विकास के आधार पर होना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि विधायक ने काम नहीं किया, सीएम योगी को हम देखेंगे वोट दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, लोग नहीं जरूर है, ऐसा होगा नहीं। अखिलेश भैया की आवाज आ रही पीछे से भी, आवाज सबकी आती रहती है, आवाज से कुछ युवा चाह रहे हैं, बहुत चमकता चेहरा है यहाँ। क्या नाम है? अरे बहुत बढ़िया, बहुत हेयर स्टाइल अच्छी लग रही है। एक मिनट भाई, क्या नाम है? क्या नाम? तारिक। तारिक, तारिक नाम है। बहुत अच्छी हेयर स्टाइल लग रही तारिक। कालपी क्या ऐसी हेयर स्टाइल की तरह सजा है 5 साल में? नहीं, सामान बताइए, अच्छा सजा दिख रहा है? नहीं दिख रहा, जैसी हेयर स्टाइल चमक रही है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। कालपी खूबसूरत नजारा है, 5 साल में बदला है? नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला है। क्या बदला है? मतलब डरिए, क्या दिख रहा है? वो तो दिख ही रहा है, नहीं हुआ विकास? नहीं नहीं नहीं। किसका क्या विकास अब आपको है? किसका भी अब पत्रकार साहब, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र की तरफ बढ़िए बढ़िए, हम लोग बस ठीक है, वोट का कोर पता चलेगा ग्रामीण क्षेत्र से। क्या नाम भैया? भाई साहब आपका? घनश्याम। ग्रामीण क्षेत्र में है हाँ। घनश्याम जी, हमने कालपी विधानसभा का इसलिए जानते हैं कि जब लोग मार्केट में, पत्रकार साहब हमने भी काम किया है, पत्रकार आप खाली देखिए, और आप खुद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो इलेक्ट्रिक मीडिया है, ये लोगों से जब तक हमें से लोगों से नहीं, आप खुद ही आकलन करिए, लोग सब जानता है, सब समझ रहा है। आकलन आप लोग बहुत बेहतर करते हैं, आकलन हम लोग सिर्फ लोग समझ रहे हैं, सिर्फ साइलेंट है, क्योंकि जो तानाशाह शासन है वो बोलने को मजबूर नहीं हो पा रहा, आदमी जो खुल के बात कहना चाहता है वो कह नहीं रहा है। आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने आप में समझदार लोग, समझदार बात की गई है। भाई साहब क्या नाम आपका? क्या चल रहा बुंदेलखंड में? बुंदेलखंड में सिर्फ विकास चलना चाहिए हाँ। हमको अगर विकास देगी उसी को हमका नाम। 5 साल में योगी सरकार की मौजूदगी रही है हाँ। यहाँ बीजेपी के हैं जी, और उसके बाद क्या 5 साल में बदली है कालपी विधानसभा? बदली है हाँ। बदली है हाँ। और अब बदलेगी तो चलेगी, अगर कहना अपना कहना इसी रुख से चलेगी तो बदलेगी। क्या नाम है भैया आपका? फैजाज अली। फैजाज अली। फैजाज आपको क्या लगता है, कालपी में विकास हुआ है पूरी विधानसभा में? बदली है कालपी, इस बार जब 20 फरवरी को वोट करेंगे तो 5 साल के कामकाज को देखकर करेंगे, या सिर्फ और सिर्फ बड़े चेहरों को देखा जाएगा कि नहीं बीजेपी अच्छी है वोट दे दो, अखिलेश भैया अच्छे हैं, यहाँ के मुद्दों को आधार बनाकर आप वोट करेंगे? खुद फिलहाल में नहीं पता किसको वोट डाले, किसको वोट डालेंगे अभी प्लान नहीं, अभी नहीं हुए हैं वोटर, लेकिन माहौल तो पता होगा ना यहाँ पर, सही चल रहा है, पान खा रहे हैं आप, माहौल पता है कि नहीं? पान की दुकान से होकर आए, क्या चल रहा है वहाँ माहौल का? 20 फरवरी को यहाँ चुनाव है, कुछ पता नहीं भाई। बोलिए बोलिए। माहौल दिखा रहे तो कुछ लोग
बातचीत करने से, कैमरे के सामने बोलने से कतराते हैं। अलग अलग लोग मौजूद है हमारे साथ, एक और भैया हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या बिजनेस करते हैं आप? अच्छा लग रहा है, मूंगफली बेचते हैं, लोग आपकी मूंगफली लेने आते हैं यहाँ पर। जब कालपी विधानसभा में हम मौजूद है, व्यापार यहाँ पर बढ़िया चल रहा, बिजनेस है अभी छोटा? हाँ सब बढ़िया चल रहा सब। हाँ बेहतर है तो बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, अच्छा सब अच्छा लग रहा है। 20 फरवरी को वोट है, हाँ देंगे वोट। हाँ कहाँ है, क्या माहौल चल रहा है चुनाव को? हाँ माहौल अच्छा चल रहा है। अखिलेश योगी तक विधायक के आधार के विकास के आधार पर वोट करो 20 फरवरी का, काय के आधार पर करो आप? किसको वोट दोगे? नहीं वोट नहीं पूछना है, वोट नहीं बताना है, वोट नहीं, आप पढ़े लिखे हैं, वोट किसको देंगे हम नहीं पूछ सकते, आपको नहीं पूछना चाहिए। बताओ क्या है, मुद्दों को आधार बना करें। सब ठीक है, बढ़िया है आपका? सब बढ़िया चल रहा, अच्छा चल रहा है। क्या है, कालपी के लोग बहुत बिल्कुल साइलेंट वोटर है, साइलेंट वोटर है, 5 साल से बोल दिया तो बोलने दे, शांति में बोल दिया। क्या नाम भैया आपका? भाई जान हमारे साथ है, अली भाई, अली भाई, अली भाई, आप ही बताइए कि यहाँ पर आप लोग पान खा रहे हैं, आपका एक मित्र भी पान खा रहा है, आप लोग तमाम लोगों के बीच जाते होंगे, सरकार में खुश है? 5 साल के बीच लोग इंतजार अखिलेश का कर रहे हैं, प्रियंका गांधी हुंकार भर रही हूँ बार बार, ये कह रही कि नहीं इस बार हम चुनाव में देखेंगे बहुत कुछ नया होगा। क्या लग रहा है, यहाँ के विधायक के विकास के नाम पर आप वोट करेंगे या फिर दूसरे विधायक को चुनने की आस में लगाए हुए हैं कि नहीं अब हमें विधायक अपना बदल देना है? चुनाव कालपी का क्या कहता है अली भाई? वो कहता यह है कि यहाँ के लोगों का जो बात है वो विकास की बात है, बेरोजगारी की बात है। अभी आप खड़े हैं जिस सड़क पे, अगर हमारे माननीय विधायक जी अगर गौर करते हैं सड़क पे, तो अब तक ये 5 साल उनको मौका दिया था जनता ने, लेकिन आज भी हमारी सड़कें देखो लबालब भरी हुई हैं, तो आप थोड़ा कीचड़ से भरी हुई, आप चाहे देख सकते हैं इधर से उधर, और काफ़ी बेरोजगार लोग हैं, और होना चाहिए ये विकास, होना चाहिए वो विकास पे वोट होना चाहिए, हमारा युवाओं से विकास पे होना चाहिए, सबका सब कुछ होने का। तो तमाम और भी लोग हैं दादा हमारे साथ है, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराहट में कुछ दम है? नहीं हम जा रहे हैं आप हमारे कार्यक्रम से, ऐसा ना हो एक मिनट तो बोलने ये माहौल का चल रहा हो, आप इतने सीनियर हैं, सब बच्चे अच्छे हैं आपके साथ, माहौल बढ़िया है, बढ़िया है, शांत बैठू काल भी विधानसभा को सीधा 20 फरवरी का दम भर देने, और जे कछु होने से 10 मार्च का निकल कर होने, तो का माहौल चल रहा? माहौल सही है, क्या बताए, माहौल ठीक चल रहा है, बेहतर है, चुनावी माहौल क्या है, यहाँ के मुद्दों के आधार पर इस बार वोट होगा, क्या बताए कालपी में? आप क्या बता दें, क्या नहीं हुआ? नहीं कुछ नहीं, आप डरिए मत, लोग यहाँ पर डर रहे हैं। लोग यहाँ पर डर रहे हैं, तमाम लोगों की और भी मौजूदगी है, भाई साहब ने बात कर ली, इनने बात कर ली, क्या लग रहा है आपको, कौन वो लोग कतरा रहे हैं? बुंदेलखंड में समस्या बहुत है, भाई साहब आए हैं, क्या नाम आपका? अतुल सिंह। सभासद है किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से, 6 फीट हाइट जी, बढ़िया पर्सनालिटी है। यहाँ की कालपी विधानसभा नाम पहले तो बताएं, और क्या कहती है इस बार बीजेपी आ रही है आपकी सरकार? बिल्कुल। क्या मुद्दों के आधार? मुद्दे विकास हैं, और संपूर्ण कालपी नगर में और क्षेत्र में वर्तमान जो निर्वर्तन विधायक थे श्री नरेंद्र पाल सिंह जादौन जी, उनके द्वारा और माननीय योगी जी के निर्देशानुसार और उनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छा विकास हुआ है क्षेत्र का, लगातार यहाँ की जनता योगी जी को मांग रही है, और पुनः पूरी ताकत और पूरे जन समर्थन के साथ माननीय योगी जी की सरकार इस क्षेत्र से योगी जी मौजूद करेंगे। विधानसभा में विकास हुआ है इस बार जो चुनाव हो रहा है, अंदर जा रहे हैं आप? सामने दिख तो रहा आपको, हम लोगों का कहने में बोलने से लोग यहाँ पर कतराते हैं बुंदेलखंड की, भाई साहब है क्या बोले हैं, क्या कालपी की सड़कों का हाल देखिए भाई साहब, कितना जो है गिलाव और जो है पूरी सारी व्यवस्थाएं डिस्टर्ब है, कोई भी सरकार ये जो है नहीं कर रही है कि व्यवस्था पब्लिक आम पब्लिक को व्यवस्था दे, तो आम नागरिक के लिए सुविधा चाहिए कि रोड सड़कें जो है सही व्यवस्थित की जाए, इनके लिए मरम्मत वगैरह पूरी व्यवस्था की जाए, ये चाहिए। तो लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को देखते हुए लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। दादा हमारे साथ, दादा क्या है हालचाल इस बार, माहौल का है कालपी को? माहौल तो कालपी का अच्छा है, और दूसरी विकास की बात, विकास तो बहुत दूर हुआ है यहाँ, कुछ विधायक से आदमी
कि वोट तो वहीं योगी को जाएगा, योगी मोदी को से फ्री गल्ला दे रही है, चावल दे रही है और की और बिजली के रेट भी कम किए हैं। और मेन चीज यहाँ ये नगर का विकास नहीं हुआ, क्षेत्र का विकास। चाचा है, चाचा माहौल क्या चल रहा है चुनाव का इस बार? एक मिनट आए आप, बहुत बेहतर हमें लगता है कि बता पाएंगे, क्योंकि कालपी के लोग बात करने से कतरा रहे हैं, हमें समस्याएं हो रही है। दादा आप बताइए यहाँ पर, 15 जनवरी तक भाई रैली नहीं होगी, क्या बता सकते? चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है 7 चरणों में जीएसटी एसटी आने के बाद बहुत फर्क पड़ा बिजनेस में। इतना फर्क पड़ा कि बोनी की लाले पड़ते हैं, क्या करें, आदमी भूखा मर रहा है, इतना असर खराब हो गया बिजनेस में। 5 साल में सरकार के बाद भी कुछ हुआ है? क्या किया सरकार ने? फ्री की फ्री खिलाने से गल्ला और पैसा देने से देश का विकास होगा क्या? आदमी को कारोबार मिले तो फायदा होगा, गल्ला फ्री खिलाने से कोई देश का विकास थोड़ी होगा, देश का विकास नहीं होगा गल्ला खिलाने से। इस बार जो चुनाव होगा यहाँ के लोग विधायक को देखकर वोट देंगे, दूसरे चेहरों को आधार बनाकर वोट करेंगे, या सिर्फ और सिर्फ वोट इसलिए करेंगे कि वहाँ पर अखिलेश यादव बैठे हैं, वहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं? ये तो वोट की मर्जी है, जहाँ चाहेगा देगा। छोटू से जानेंगे, लोग हमारे साथ बच्चा मौजूद है, यहाँ लोग बोल रहे हैं क्या है का माहौल, चुनाव उनाव का माहौल तो समझ रहे, चुनाव होता है, वोट डालते हैं लोग, सरकार बनती है, पता है? हाँ, किसकी आवाज आ रही तेज तेज यहाँ कालपी में? चाचा मालूम नहीं, नहीं मालूम चाचा, नहीं मालूम, ठीक है। क्या नाम दादा आपका? और कालपी का जो चुनाव है इस बार, कालपी क्या कहेगी, क्योंकि अपने आप में ये धरती इतिहास के पन्नों में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से दर्ज है। है तो दर्ज, लेकिन महंगाई और जो है भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। लोग कह रहे हैं जब बीजेपी की सरकार आई तो भ्रष्टाचार पे लगा। देखिए जो यानी राशन में भी कोई चीज दी जा रही है। दादा हमारे साथ मौजूद है, दादा क्या लग रहा है? बिजनेसमैन व्यक्ति है, डरिए मत, आप लोग डरिए मत, एक एक करके आप बताओ तो माहौल क्या चल रहा है चुनाव? पुलिस में है। अच्छा, पुलिस में है, प्रशासन के लोग भी हमारे साथ मौजूद है, सुरक्षा को लेकर यहाँ पर चुनाव में दूसरा सवाल करेंगे, मेरी बात सुनिए। अच्छा, ओमिक्रॉन को लेकर लगातार चुनाव आयोग ने 7 चरणों में ऐलान कर दिया, आप लोगों के सामने भी चुनौती है, पुलिस प्रशासन आप लोग लगातार काम करते हैं? हम यहाँ नहीं, कन्नौज में है ना, कन्नौज में, कन्नौज में। तो जवाब देने से कतरा रहे हैं, और क्योंकि इसलिए क्योंकि इनकी सरकारी ड्यूटी है, पुलिस में है, पुलिसकर्मी है। भाई साहब है, चाचा क्या है हालचाल? भाई साहब इनसे पूछो, आप तो बताओ पहले। नहीं ठीक है, हालचाल बढ़िया है। चुनाव का माहौल क्या है? तक चल लो, चुनाव का माहौल चल रहा है, अपनी जगह सही चल रहा है। कालपी क्या चाहती है? आप कह रहे हैं इनसे पूछो, आप कालपी में क्या था? कालपी में काफी रोजगार था, कालीन थी, कपड़ा था, कागज था, कई कारोबार इधर, तीनों कारोबार एकदम दम हो गए, रोजगारी के कगार में आ गए, और सरकार की तरफ से कोई कालपी की तरफ ध्यान नहीं कि यहाँ पर जमीन जो है इतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं है, चारों तरफ से जंगल है, एक तरफ जमुना है, जिससे बेरोजगारी की तादाद कालपी ज्यादा है, इसलिए कालपी में खास तौर से इंडस्ट्रीज, सरकारी इंडस्ट्रीज आना बहुत जरूरी है, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके, क्योंकि लोगों के पास रोजगार ना होने की वजह से लोग कालपी से आए दिन पलायन कर रहे हैं, अपना जो भाईचारा था यहाँ पर और अपनी बुजुर्गों की जो जमीन थी उसको नम आँखों से बाहर जाके काम करते हैं, और अपना शहर छोड़ के जब वो बाहर जाते हैं तो उनको बड़ा तकलीफ उठाना पड़ती है, इसलिए कालपी के अंदर, कालपी में इसलिए रोजगार की सरकार जो है ज्यादा से ज्यादा जो है उपलब्ध कराए। चाचा ने बहुत महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे उद्योग यहाँ से कम हो रहे हैं, और यही वजह है कि जो कालपी की विरासत है, जो कालपी को लोग सहेज उसे कहीं ना कहीं खो रहे हैं। बहुत लोग हैं, तमाम और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे। चाचा क्या नाम है आपको? हमारा नाम अशोक। उद्योग कम हो रहे हैं होता है कागज के नाम से जाना जाता है, मोदी सरकार से लेके योगी सरकार सिर्फ और सिर्फ इस बात पर जोर दे रही है कि छोटे उद्योग लगाए जाएं। क्या भाव चाहिए कालपी में, आप बताओ? हम लोग जो है पावर लूम बनकर हैं, जो 2006 से जो है पावर लूम बनकर को जो है उन्होंने, हाँ कपड़ा बनता था, फ्लैट रेट पे जो बिजली दे रखी थी मुलायम सिंह शासन ने, जो आज तक है, मगर उस पर एक जो है जो समायोजन होना है वो आज तक किसी सरकार ने अभी तक नहीं किया है। हम चाहते हैं कि बुनकरों का जो समायोजन है यथाशीघ्र किया जाए, और जो फ्लैट रेट पे हम लोग जमा करते हैं वो तो जमा करते ही रहेंगे। चलिए दादा, क्या नाम आपको? क्या नाम बोल तो ले, कछु तो बोल ले। हम ही साथ में है, किसी चीज है।
मेन समस्या थी हमने बताया, साथ ही में है ना हम दोनों। आप तो बोल तो लो, आप बोल लिया जो कुछ बोलना था। लोग बोलने से कतरा रहे हैं और शायद अपने आप में बुंदेलखंड इसी को कहते हैं, क्योंकि लोग अलग अलग लोगों के ये कहना है कि हमें नहीं इन्हें बात करिए। ये अपने आप में ये विडंबना हम कह सकते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड राज्य में है, निचले तबके में है और लोग यहाँ पर विकास की बात को जोह रहे हैं, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और यहाँ के छोटे छोटे उद्योग जो कि लगातार खत्म होते जा रहे हैं, लोगों का ये मानना है। चुनावी दंगल 2022 में कालपी से आप लगातार मेरे साथ हर तस्वीर आपके साथ मैंने साझा की और हर तस्वीर आप तक पहुंचाई। चुनावी दंगल 2022 में कालपी से इतना ही, नए शहर में चुनावी दंगल 2022 आप देखेंगे। फिलहाल कालपी से मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सहा।